हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट मैथ ऑफ क्लास सेवन, इन विच स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और क्या इसमें हमें करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर वी लोअर फ्रॉम 45 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर, वट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 हावर्स आफ्टर द प्रोसेस बींग्स। तो बच्चों हमें ये बताना है, इसमें कहा गया है कि कमरे को ठंडा करने की प्रक्रिया में, यानी जो जिसका निश्चित टेम्परेचर इस समय है वो कितना है, 45 डिग्री है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर, जो तापमान है वह 6 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक घंटे में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कह रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 9 आवर्स आफ्टर, यानी 9 घंटे के बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक, इस प्रक्रिया के दौरान उस कमरे का तापमान 9 घंटे के बाद क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे जो अभी उसका तापमान है, जो निश्चित तापमान उसका इस समय 45 डिग्री है, लेकिन 6 डिग्री सेल्सियस की दर से वह घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक, तो बच्चों हमें बताना है कि 9 आवर्स के बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो ये करवाता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो यहाँ पर बच्चों जो इनिशियल टेम्परेचर मीन्स जो तापमान हमें दिया है, जो वास्तविक तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर है वह घट रहा है। ठीक है, रूम टेम्परेचर डिक्रीजेस एट 6 डिग्री सेल्सियस पर हावर। ठीक है, यानी 6 डिग्री सेल्सियस पर हावर की तरफ से घट रहा है। तो हमें बताना है बच्चों, यानी पहले हम निकालेंगे कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 9 आवर्स में कितना चेंज होएगा, यानी उसमें, तो यहां पर मैं राइट करता हूं टेम्परेचर चेंज इन 9 आवर। यानी बच्चों जब घट रहा है तो माइनस में राइट करेंगे, अब कितने घंटे में निकालना है, 9 घंटे में। ठीक है ना, तो 9 घंटे में कितनी गिरावट हो जाएगी, 9 6 = 54, यानी -54 डिग्री सेल्सियस 9 आवर्स में क्या हो जाएगा, 9 आवर्स में कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो रूम टेम्परेचर होगा 9 घंटे के बाद, तो यहाँ पर राइट करेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 9 आवर इज इक्वल टू, जो उसका जो वास्तविक टेम्परेचर था वो कितना था, 45 डिग्री था, लेकिन कितना उसमें ऐड कर देना है, प्लस माइनस के 54। ठीक है ना, अभी सोल्व कर लेंगे, 45 प्लस माइनस 54, बच्चों 45 में से 54 जाएंगे तो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस, यानी -9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी उस कमरे का तापमान 9 घंटे के बाद -9 डिग्री सेल्सियस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ने कंप्लीट कर लिया, आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास यानी कक्षा में टेस्ट कंटेनिंग 16 क्वेश्चन, इन एक कक्षा के टेस्ट में यानी इसमें 16 क्वेश्चन रखे गए या दिए गए, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए गए, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और -2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स हमें -2 मार्क्स दिए गए प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए हमें उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं जो टेस्ट में लिए गए हैं, 16 है, और सही प्रश्न, सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनप्रीत अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मनप्रीत ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, बट ओनली 4 ऑफ देम आंसर आर करेक्ट, लेकिन उनमें से केवल 4 ही सही थे, उसने किए तो सारे लेकिन 4 केवल ठीक किए, फाइंड हर टोटल स्कोर, तो हमें उसका टोटल स्कोर बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, अब मनप्रीत ने बच्चों टोटल क्वेश्चन जो सही किए हैं वो 4 किए हैं, तो गलत किसने कितने किए होंगे बच्चों, तो 16 हमारे टोटल हैं और उसने सारे ही किए हैं, लेकिन 4 हमारे उसमें सही हैं,
तो अगर हम गलत निकालेंगे तो 16 माइनस 4 करेंगे तो 16 में से 4 माइनस हुए कितने बचे, यानी 12। यानी जो 12 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस के आंसर उसने रोंग दिए हैं। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं, तो यहां बच्चों मैंने राइट किया है, ठीक, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है टोटल वो कितने हैं, 16 है, तो मैंने 16 राइट किया। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन, प्रत्येक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, सही प्रश्न के लिए, सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, और प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए हमारे पास 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी 2 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद यहां पर मैंने राइट किया बच्चों, टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 16, ठीक है ना, और जो करेक्ट आंसर है हमारे, करेक्ट आंसर, इन करेक्ट आंसर उसने कितने दिए, 4, और रॉन्ग आंसर कितने दिए, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब उसका जो स्कोर है, स्कोर निकालेंगे, तो निकालेंगे टोटल स्कोर, क्या निकालेंगे, टोटल स्कोर। ठीक है, तो बच्चों उसने 4 प्रश्न सही दिए, यानी 4 प्रश्नों का उत्तर सही दिया, तो 4 मल्टीप्लाई, और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, तो मैं 4 मल्टीप्लाई 4 कर सकता हूं। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूंगा बच्चों, जो गलत मार्क्स के, जो गलत मार्क्स उसने प्राप्त किए, यानी जो गलत आंसर के मार्क्स उसे मिले हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों उसने 12 आंसर रोंग दिए, और प्रत्येक रोंग आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं, -2, कितने दिए जाते हैं, -2। ठीक है, तो मैंने इस तरह से क्वेश्चन को जमा लिया है। ठीक, अब 4 जाए कितना होगा बच्चों, 16 प्लस, और 12 जाए कितना हो गए, 12 जाए 24, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस के 24। ठीक है, 16 प्लस माइनस माइनस 24, और 16 में से 24 के बच्चों कितने बचे, यानी -8 मार्क्स, यानी जो उसका टोटल स्कोर है बच्चों वो -8 मार्क्स है। ठीक है ना, कितना है, -8 मार्क्स। अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी बच्चों कार्तिक अटेम्प्ट 14 क्वेश्चन एंड ओनली 2 ऑफ देम आंसर आर रॉन्ग, यानी कार्तिक ने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसने 16 नहीं किए, उसने 14 किए, बट उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे, 2 आंसर हमारे रॉन्ग थे, फाइंड द टोटल स्कोर, तो हमें टोटल स्कोर फाइंड करना है। तो बच्चों मैंने यहां पर राइट किया, यानी उसने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 14, तो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 14, एंड रॉन्ग आंसर कितने दिए उसने, 2, बताया गया था कि 2 आंसर उसके रॉन्ग गए, और करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे बच्चों, जब उसने 2 रॉन्ग दिए हैं तो 14 उसके टोटल थे, तो 14 में से 2 माइनस किए तो 12, यानी 12 आंसर उसने करेक्ट दिए हैं। अब उसका स्कोर निकालते हैं, यानी टोटल स्कोर, टोटल स्कोर उसका कितना हुआ वो निकाल देते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, 2 तो उसके रॉन्ग थे, तो 2 मल्टीप्लाई रॉन्ग के लिए कितना मिलता है, -2 मार्क्स मिलता है, तो 2 यदि उसने 2 रॉन्ग किए हैं तो उसके लिए कितने मिलेंगे, तो यानी 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक, फिर प्लस करेंगे इसमें, यानी उसके जो राइट आंसर थे वो कितने थे बच्चों, 12 थे, और प्रत्येक राइट के लिए कितना मिलता है, प्रत्येक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 4 12 आंसर के लिए उसको मिलेंगे। अब यहां बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 जा 4 यानी प्लस माइनस, माइनस 4 हो जाएगा प्लस, 12 4 जा 48 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों ये माइनस 4 है और ये 48 है, यानी 48 में से माइनस 4, यानी जो 4 है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 48 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 मार्क्स, यानी उसका जो बच्चों स्कोर है वो 44 मार्क्स है, कितना है, 44 मार्क्स। आगे चलते हैं, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैंक्स, यानी एक कंपनी उत्पादन करती है कंबलों का, ब्लैंक्स मीन्स क्या होता है, कंबल, ब्लैंकेट्स। ठीक है, एक कंपनी कंबलों का उत्पादन करती है, इन वन सीजन कंपनी मेड 12,000 ब्लैंक्स, और एक सीजन में बच्चों उसने जो है 12,000 कंबल बनाए, कितने कंबल बनाए, 12,000, आउट ऑफ देम उनमें से 4,000 ब्लैंकेट्स वर डिफेक्टिव ड्यू टू इम्प्रोपर वीविंग, तो बच्चों उनमें से 4,000 कंबल वर डिफेक्टिव, यानी वह त्रुटिपूर्ण थे, यानी सही नहीं थे, ड्यू टू इम्प्रोपर वीविंग, यानी गलत बुनाई के कारण,
कंपनी सोल्ड फ्रेश पीसेज ऑफ पीसेज एट ए प्रॉफिट ऑफ 100 पर पीस, यानी कंपनी ने जो सही कंबल थे उनको बेचा 100 रुपीज प्रत्येक पीस पर उसने लिए, यानी कंपनी को प्रत्येक पीस पर 100 रुपीज का फायदा हुआ। एंड डिफेक्टिव पीसेस एट ए लॉस ऑफ 180 रुपीज पर पीस, यानी जो डिफेक्टिव पीस थे उनको बेचा गया 180 रुपए के लॉस पर, ठीक है ना, 180 रुपए पर पीस के लॉस पर। फाइंड इज लॉस और प्रॉफिट, तो उसका हमें लॉस और प्रॉफिट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लॉस और प्रॉफिट। तो बच्चों मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 राइट किया है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स इज इक्वल टू 12,000, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स है यानी कंबलों की कुल संख्या वो कितनी है बच्चों? 12,000 रुपए है, और उसमें से डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स कितने हैं? 4,000, 4,000। तो 4,000 हमारे खराब हैं, और जो फ्रेश ब्लैंकेट्स है वो कितने होंगे? तो मैंने टोटल में से इन 4,000 खराब को माइनस कर दिया तो कितने बचे? 8,000, यानी 8,000 जो है वो फ्रेश ब्लैंकेट्स हैं, ठीक है ना। हमें निकालूंगा बच्चों प्रॉफिट एट फ्रेश ब्लैंकेट्स, यानी फ्रेश ब्लैंकेट को, यानी जो सही हमारे कंबल है उनको बेचने पर कितना रुपए उसको मिले, कितने रुपए का उसे फायदा हुआ। तो बच्चों जो हमारे फ्रेश 8,000 है, और फ्रेश पर बच्चों यानी एक कितने पर, एक हमने कितने रुपए का बेचा? एक हमने बेचा 100 रुपीज के प्रॉफिट पर, तो 8,000 पर कितना प्रॉफिट होगा? 8,000 × 100 जो क्या हो जाएगा? रुपीज 8 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे? 1, 2, 3 ऑलरेडी है, एक दो लगा दो, ठीक है, यानी 1, 10, 100 यानी 8,00,000 रुपीज जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8,00,000 रुपीज से प्रॉफिट होगा। कब? जब वह फ्रेश ब्लैंकेट्स को बेचेगा, ठीक है ना, यानी सही कंबलों को बेचने पर उसे 8,00,000 रुपए मिलेंगे। और लॉस ऑफ डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स, और जब वह डिफेक्टिव ब्लैंकेट्स बेचेगा यानी जो खराब कंबल उनको बेचेगा, तब उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? यानी 4,000 हमारे खराब कंबल हैं, और 180 रुपए का उसे प्रत्येक को लॉस होता है, तो हम जो है 4,000 को लॉस को 180 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर कर लो मल्टीप्लाई 18 की 4 से, तो जाएगा 18 × 4 = 72, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो यानी 7,20,000 कितना हो जाएगा? 7,20,000। तो बच्चों उसे जो लॉस हुआ अभी फिलहाल 7,20,000 का हुआ, और जो प्रॉफिट हुआ वह कितना हुआ? उसे प्रॉफिट 8,00,000 का हुआ। तो बच्चों उसे प्रॉफिट ही हुआ होगा, क्योंकि उसे इतने रुपए तो सही बेचने पर प्राप्त हुए 8,00,000 रुपए, और जो खराब थे उनको बेचने पर 7,20,000 रुपए प्राप्त हुए। तो टोटल प्रॉफिट निकाल दें उसका, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो बच्चों जो सही कंबल बिके वो उसके 8,00,000 के बिके, कितने? 8,00,000 के, ठीक है, और जो खराब कंबल थे वो कितने के बिके? 7,20,000 के। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों? उसे प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपए का। कितने रुपए का? 80,000 रुपए का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। तो हमारा आंसर आया 80,000 रुपए, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए थैंक यू।